हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रामा रोमांटिक मूवी को, जिसका नाम है कॉल बॉय, जिसे डायरेक्ट किया था डेसिक म्योरा ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.1 आउट ऑफ 10 स्टार। इस कहानी में हम देखेंगे रियो नाम के लड़के को, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है। वो अपने डेली रूटीन से काफ़ी बोर हो चुका है और उसकी लाइफ का कोई मकसद नहीं है। वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी जिए जा रहा है। फिर हम देखते हैं उसका फ्रेंड सिनिया ताजिमा एक होस्ट बार की ओनर सिजुका को लेकर आता है, जहां रियो जॉब करता है। सिजुका वॉशरूम जाती है तब सिनिया उसकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो अभी तक उसके साथ इंटीमेट नहीं हुआ है। तभी वहां पर सिजुका आती है और रियो दोनों के लिए ड्रिंक बनाता है। सिनिया रियो से कहता है वो उसकी तरह ड्रिंक बनाए ताकि लड़कियाँ उसे पसंद करें। रियो कहता है लड़कियाँ उसे बोर करती हैं। सिजुका उसकी तरफ देखती है और उसकी बनाई हुई ड्रिंक पीती है और उसे वो ड्रिंक बहुत पसंद आती है। फिर सिजुका सिनिया से कहती है उसे अब चलना चाहिए। इसके बाद सिनिया और सिजुका वहां से चले जाते हैं और रियो को सिजुका का विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिस पर क्लब पैशन लिखा होता है, सिजुका का नंबर और साथ में ये लिखा होता है कि जॉब खत्म होने के बाद बाहर वो उसका वेट करेगी। बार से निकलने के बाद रियो सिजुका से मिलता है और वो उसे अपने घर ले जाती है। रियो को लगता है सिजुका उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन तभी वो कहती है कि उसे किसी और के साथ इंटीमेट होना है। और फिर पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम शकुरा होता है और वो सिजुका की बेटी होती है, जो गूंगी होती है। सिजुका उससे कहती है मैं तुम्हारा पैशन टेस्ट करना चाहती हूँ कि तुम कैसे सेक्स करते हो, और मैं ये सब बैठकर देखूंगी। इसके बाद स्टार्टिंग में रियो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने से पहले शकुरा रियो को कॉन्डम यूज़ करने के लिए कहती है। सेक्स होने के बाद रियो सिजुका से पूछता है कि उसे उसका सेक्स कैसा लगा। तब सिजुका कहती है मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके बाद सिजुका उसे $5 देती है, लेकिन शकुरा को उसकी परफॉर्मेंस पसंद आती है और वो उसे $5 एक्स्ट्रा देती है और वहाँ से चली जाती है। सिजुका कहती है मेरी बेटी को तुम पसंद आए, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। फिर वो रियो को एक एल्बम दिखाती है जिसमें बहुत सारे लड़कों की फ़ोटो होती है। फिर वो कहती है वो क्लब पैशन नाम से कॉल बॉय का बिजनेस करती है, जिसमें लड़के औरतों को सेटिस्फाई करने का काम करते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं सिजुका रियो की कॉल बॉय के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही है, वो उसके लिए शॉपिंग भी करती है। जब रियो सिजुका के घर पर होता है तब वो कहती है मुझे तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी करना होगा, ये क्लब के रूल्स हैं। तभी वहाँ पर एक हिगाशी नाम का एक लड़का आता है, वो भी कॉल बॉय होता है, और वो कहता है एक दिन ये लड़का सभी को पीछे छोड़ देगा। सिजुका रियो से कहती है हिगाशी इस क्लब के VIP कस्टमर्स के लिए है और उसकी VIP कस्टमर्स में बहुत डिमांड है। इसके बाद हम देखते हैं रियो बार में होता है और उसकी फ्रेंड मेगुमी उसके लिए नोट्स तैयार करके लाती है, क्योंकि रियो कॉलेज नहीं जा रहा होता है। रियो मेगुमी से पूछता है कि वो औरतों को कैसे प्यार करे और औरतों को किस तरह का प्यार पसंद आता है। मेगुमी उसे बताती है कि वो इमोशन के साथ प्यार करना पसंद करती हैं। तभी रियो कहता है और बिना इमोशन के साथ प्यार करना हो तो? तब मेगुमी कहती है ये तो गलत बात है। और सिनिया कहता है सबके साथ सेक्स करने से इन्फेक्शन का खतरा भी हो जाता है। अगले दिन रियो ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए देता है। फिर रियो को सिजुका का कॉल आता है कि एक क्लाइंट ने उसे बुक किया है और वो उस क्लाइंट से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम रियो को उस क्लाइंट का वेट करते हुए देखते हैं। फिर वो क्लाइंट आ जाती है और दोनों कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर औरत रियो से पूछती है कि उसे अपनी बड़ी औरतों के साथ डेट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तब रियो कहता है मुझे बचपन से ही ज़्यादा उम्र की औरतों में इंटरेस्ट है। उस औरत को रियो का ये जवाब पसंद आता है। इसके बाद वो औरत उससे कहती है अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी। फिर ये सिजुका को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज की डेट कंप्लीट हुई। तब सिजुका कहती है तुम असाइनमेंट में पास हो गए, उस औरत ने कल फिर से तुम्हें बुक किया है और उसी जगह तुम्हें फिर से बुलाया है। ये सुनकर रियो खुश हो जाता है और अगले दिन फिर से वो दोनों मिलते हैं। इसके बाद दोनों होटल में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। फिर हम देखते हैं रियो और भी काफ़ी सारी औरतों के साथ मिलकर इंटीमेट होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, रियो भी काफ़ी डिमांड में आ जाता है। फिर सिजुका रियो से कहती है क्या वो उसके साथ डिनर करेगा। इसके बाद वो एक होटल में जाते हैं और डिनर करते हैं और वहाँ पर वो अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है कि उसकी मॉम की मौत एक भीड़ वाली सड़क पर हार्ट अटैक से हुई थी और इसके लिए वो खुद को ब्लेम करता है और रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं देखते ही देखते रियो इस काम में काफ़ी माहिर हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रियो की एक औरत के साथ डेट होती है जिसका पति व्हीलचेयर पर बैठा होता है और वो काफ़ी बुढ़ा होता है, और वो रियो से कहता है कि वो अपनी पत्नी और रियो की सेक्स करते टाइम वीडियो बनाएगा। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और वो उनकी वीडियो बनाते हुए खुद भी मास्टरबेट करने लगता है। इसके बाद वो खुश होकर उसे एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। सिजुका रियो से कहती है कि अब तुम्हारा प्रमोशन हो गया और तुम VIP गेस्ट के लिए काम करोगे। फिर हम देखते हैं हिगाशी और रियो ये सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाते हैं
और वहाँ पर हिगाशी वीआईपी कॉल बॉय होने के बारे में रियो को बताता है और वो अपनी शर्ट उतारता है। उसकी बॉडी पर काफ़ी कट्स होते हैं। हिगाशी उससे कहता है ये सब कट्स वीआईपी कस्टमर ने दिए हैं, वो जितनी बार चाहें उतनी बार बॉडी को काटते हैं। ये देखकर रियो को बहुत दुख होता है। इसके बाद हिगाशी रियो के साथ ओरल सेक्स करता है जिससे रियो को काफ़ी मज़ा आता है और वो हिगाशी से पूछता है इसके बदले वो उसके लिए क्या कर सकता है। हिगाशी उससे कहता है कि वो उसकी लिटिल फिंगर तोड़ दे, जिसके पेन से हिगाशी को काफ़ी मज़ा आता है। रियो कहता है क्या तुम श्योर हो? तब हिगाशी कहता है हाँ ऐसा मैं बहुत बार कर चुका हूँ। इसके बाद रियो उसकी लिटिल फिंगर तोड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं रियो बार में होता है और वहाँ उसकी फ्रेंड मेगुमी भी होती है और उसे रियो के कॉल बॉय होने के बारे में सारी जानकारी होती है। इसके बाद वो उसे सुनाकर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद हम रियो को एक नई क्लाइंट के पास जाते हुए देखते हैं जो काफ़ी एजेड होती है और उस क्लाइंट का बर्थडे होता है और वो रियो का हाथ पकड़ कर कहती है कि वो हाथ पकड़ने के बाद सब कुछ जान जाती है। रियो उसे अपने फ्रेंड के साथ हुए झगड़े के बारे में बताता है। फिर वो रियो का हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ने से ही बुढ़िया का काम हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सिजुका रियो से काफ़ी इम्प्रेस होती है और वो रियो से कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तब वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, जिसके लिए सिजुका मना करती है, लेकिन रियो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन सिजुका उसे धक्का दे देती है। तभी वहाँ पर शकुरा आ जाती है। फिर सिजुका को एक क्लाइंट का कॉल आता है और वो रियो को बुक करती है। रियो को हम एक होटल में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड मगुमी एक क्लाइंट बनकर आई होती है। वो रियो से कहती है तुम बहुत एक्सपेंसिव हो, मुझे तुम्हें बुक करने में एक महीने की सैलरी चली गई। तब रियो उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? मगुमी अपने कपड़े उतारने लगती है। वो कहती है मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और मगुमी रोने लगती है। वो कहती है मैं पहले दिन से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुम मेरी पहुँच से दूर जा चुके हो। रियो भी रोने लगता है और वो कहता है तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे बुक कर सकती हो और बार में उसके लिए ड्रिंक फ्री रहेगी। इसके बाद वो सिजुका के घर आता है और सिजुका उसे बताती है कि वो उसके साथ सेक्स क्यों नहीं कर सकती। दरअसल वो HIV पॉजिटिव होती है। प्रिकॉशन लेने के बाद भी उसे ये इन्फेक्शन हो गया एक क्लाइंट से और सकुरा उसी क्लाइंट की बेटी है। रियो सिजुका से कहता है कि वो उसे बताना चाहता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। वो फिर से आज पैशन टेस्ट देना चाहता है। पीछे से सकुरा आती है और वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। ये सब देखकर सिजुका एक्साइटेड होने लगती है। इसके बाद रियो बार में होता है और वहाँ सकुरा आती है जो सिजुका का मैसेज लेकर आती है। उस मैसेज में लिखा होता है कि उसके क्लब पैशन के बारे में पुलिस को पता चल गया है और पुलिस उसे इंटरोगेशन के लिए ले जा रही है। उसने सारा डाटा डिलीट कर दिया है, इसलिए रियो को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसने रियो के मॉम का भी पता लगाया है जो एक कॉल गर्ल थी, और ये सब वहाँ के गार्ड ने बताया जहाँ वो जाया करती थी, और हार्ट अटैक की ही वजह से उनकी मौत हुई है। इसलिए वो खुद को ब्लेम करना बंद करे और इन फ्यूचर वो तीनों यानी सकुरा रियो सिजुका साथ रहेंगे अगर वो जिंदा रही तो। अगले सीन में हम देखते हैं रियो फिर से उसी बूढ़ी औरत के साथ है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। एक साल बीत चुका होता है और वो फिर से रियो का हाथ पकड़ती है और इस बार वो रियो के साथ सेक्स करना चाहती है। और अब क्लब पैशन सकुरा चला रही होती है जिसमें हिगाशी और रियो पार्टनर होते हैं। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।